अक्सर गए आपके फोन पर ऐसे न्यून नंबर आते रहते हैं, ऐसे स्पैम नंबर आते रहते हैं, जिससे आपके बैंक का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और काफी बार ऐसे स्पैम कॉल आ जाते हैं जो आपके फोन को भी हैक कर लेते हैं, आपके फोन को भी अपने फोन से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सब कॉल से बचने के लिए, फालतू स्पैम कॉल से बचने के लिए, आज मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि हर बार जो वीडियो आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गाय चलिए बिना देरी की आपको पूरा सोल्यूशन निकाल कर लेकर आया हूँ, और आप मैं बताता हूँ कैसा ट्रिक है और किस प्रकार से आपके फोन में वह इनेबल हो सकता है। अगर आप कीपैड फोन भी यूज करते हैं तब भी आप अपने फोन में वैसा सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कीपैड फोन में भी यही स्पैम देखने को मिलता है, क्योंकि काफी लोग जानते हैं कीपैड फोन यूज कर रहा है, और कीपैड फोन में अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे तब भी आपको बहुत बड़ा खतरा वहीं से हो, क्योंकि जितना नंबर ऐड होता है सब बैंक अकाउंट से आपका ऐड होता है। तो गाइस चलिए बिना देरी के आपको पूरा सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले एंड्रॉयड फोन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वहीं से आपको पूरा सेटिंग बता दूंगा, आप अपने कीपैड फोन में भी वही सेटिंग कर पाएंगे। तो गाइस एंड्रॉयड फोन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ, जिससे आप लाइव टू लाइव अच्छे तरीके से जान सके, उसको समझ सके। आपके बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और यहीं पर आप समझिएगा देखिएगा। तो यहाँ पर स्पैम कॉल को ना आए उसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपको डॉलर पर जाना होगा, यानी कि जहां से कॉल आप अपने किसी एनवाई को लगाते हैं वहां पर आपको क्लिक करना होगा, कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर कॉल सेटिंग को ढूंढने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वहां पर साइड बार में, आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग का ऑप्शन है वहां पर आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब कि प्रोफाइल ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पॉपअप खुल के आ जाते हैं। तो यहीं पर ब्लॉक नंबर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लॉक नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह भी शो करेगा कि कौन कौन सा नंबर आप ब्लॉक किए हैं। लेकिन गाइस इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। देखिए आपके पास कोई स्पैम आया, आपको पता चल गया स्पैम है, उसको आप ब्लॉक किए, वह दूसरे नंबर से कर देगा, उसको भी आप ब्लॉक करेंगे, तो आपको बार बार ब्लॉक करना पड़ेगा। कोई ऐसा ट्रिक हो कि अपने आप ही फोन आपको ब्लॉक कर दे, यानी कि आपको वहां पर ब्लॉक करने की जरूरत ही ना हो, तो इसके लिए मैं सेटिंग बता रहा हूँ। ऐसे में गाइस आप ब्लॉक करते रहेंगे, बार बार नया नया नंबर आता ही रहेगा। मैं ये सेटिंग बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक आपका फोन खुद ही ब्लॉक कर देगा कोई आएगा स्पैम नंबर। तो यहाँ पर देखिए अननोन पर आपको क्लिक करना है, ऊपर देखिए अननोन का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर बताया गया है ब्लॉक कॉल फॉर आइडेंटिफाइड कॉलर, यहाँ पर अपने आप ही आपका फोन अननोन नंबर जो स्पैम होगा, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद स्पैम कॉल होगा, ऑटोमेटिक यहां से ब्लॉक हो जाएगा। तो यही सेटिंग है गाइस, आप जाकर अपने फोन में ढूंढिए और यहां से अननोन नंबर वाला तुरंत इसको वेरीफाई करिए, इनेबल करिए, ऑन करिए, और यहीं से ऑन करने के बाद आपके फोन में स्पैम कॉल आना, अननोन कॉल आना स्टॉप हो जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ में कीपैड फोन में भी आपको मैं बता दूं, कीपैड फोन में आपको ब्लॉक के सिस्टम में जाना है, ब्लॉक के सेटिंग में जाना है, वहां पर भी आपको इस अननोन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कीपैड फोन में भी एक नया वीडियो बनाएंगे कैसे होता है उसमें, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो गाइस इसके ऐसे ही आपको सेटिंग वहां पर भी मिल जाएगी, अगर आप ऐसे समझ सके तो आप जाकर सेटिंग ढूंढ लीजिएगा, वहां पर इनेबल कर दीजिएगा, ना ढूंढ पाए तब आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर दूंगा कीपैड के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिशा में, तब तक ले जाएं वंदे मातरम।